शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओहो, श्रद्धा ने हमें कुएं के पास बुला लिया और खुद कहां रह गई? कहां रह गई? मैं भूख भी लगी है। मेरा चेहरा तू बताएगी पुलिस में? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। सोचते थे कि तुम सिर्फ चतुर हो, लेकिन हाय, तुम तो कितनी बड़ी कलाकार निकली। नहीं बुआ जी, मैं सोच रही थी ना कि सोनिया पर ये करने से पहले एक बार आपके ऊपर करके देखूं, क्योंकि आप तो जानती हैं अपनी और कीर्ति को लेकर इतनी परेशान हूं, कहीं कोई गलती मुझसे ही ना हो जाए। श्रद्धा, तुम्हें पता है लंबे वक्त के लिए घर में अगर कीड़े मकोड़े रुक जाए ना तो घर में गंदगी फैलाते। तुम सबसे पहले सोनिया को निपटाओ। घर की सफाई कैसे करनी है और घर वालों को कैसे मनाना है, ये हम देखेंगे। आप सबके लिए गरम गरम गाजर का हलवा। अरे वाह। अरे अबे बेटा, तुम आ गए, जल्दी आओ और खाना खाओ। देखो श्रद्धा ने सारी तुम्हारी पसंद की चीजें बनाई हैं। अरे गाजर का हलवा भी बनाया है उसने, आओ जल्दी। मम्मी मैं खाकर आया हूँ। अच्छा है, हमें ज्यादा खाने को मिलेगा। श्रद्धा, क्या हलवा बनाया है तुमने? हाय, तुम्हारे हाथ का हलवा खाकर ना तसल्ली की नींद आएगी हमें। अबे, अरे सोनिया, क्या हो गया तुम्हें? अबे अबे वो सोनिया, तुम कांप क्यों रही हो? क्या हो गया? आरती, पानी लेकर आओ। जी भैया। आओ मेरे साथ, आओ, चलो बैठो। क्या हुआ सोनिया? भैया पानी। चलो पानी पियो, पियो। सोनिया बेटा, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? कंबल उड़ा दे। अरे इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो तुम? बोलो ना सोनिया। अरे बोलो बेटा, हुआ क्या है? सोनिया बताओ क्या हुआ? वो अबे आज शाम को जब मैं कॉलेज से घर की तरफ लौट रही थी तो वो Thank you.
पुलिस वालों को मेरा चेहरा बताएगी, छोड़ूंगा नहीं आज तुझे मैं। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। श्रद्धा, क्या जबरदस्त एक्टिंग की है तुमने। हाँ, एक बार में इसके से डिप्टी बोल कर लो। ओह, मैंने बुआ जी, मुझे तो लगा कि ये सब आपने किया है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है। तो अब इस चुड़ैल की कौन सी ये नई चाल है। लेकिन बुआ जी, इसे कैसे पता चला कि हम कब क्या और कैसे करेंगे? क्योंकि अगर वहां पे आप नहीं थी, मैं नहीं थी, तो फिर वहां कौन था? अब मैं कैसे करूंगी सब? अब मैं कैसे अकेले बाहर जाऊंगी? मुझे मुझे अपने मम्मी पापा को सब बताना होगा। रहूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तुम ही कहती थी ना कि घर वालों को परेशान नहीं कर सकती हो। सोनिया, चलो आ जाओ। सुनिए जी, उसके माँ बाप ने उसे हमारे घर रहने भेजा था, तो हमारी जिम्मेदारी हुई ना वो, तो हमें लगता है ना कि आप उसे उसके घर ही छोड़ आई। हाँ, अरे ऐसे कैसे छोड़ा है? जब तक वो खुद जाने को नहीं कहती, मैं कुछ करता हूँ। चलो खाना खाते। नाटक तुम्हें पढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो सब लोग इसी की बात पर विश्वास करेंगे। पर बुआ जी, मैंने इसकी आंखों में अभी अभी सच का डर देखा है। ये कोई नाटक नहीं कर रही थी। मैं आपसे कह रही हूँ, सचमुच कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। पर अब हमें क्या करना है? सोनिया कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या बातें करती है, हमें इस पर पूरी पूरी नजर रखनी होगी। हमें इस बात की जड़ तक पहुंचना होगा कि वो आदमी कौन था। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।